आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023-2030 के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ नीरजा चौधरी। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड को और उसी में आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। राज्य की में पर्यटन निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 17 मार्च 2023 से 7 वर्षीय नई पर्यटन नीति लागू की। ये जो नई पर्यटन नीति लागू की गई है, ये अब 2023 से 2030 तक इस पर्यटन नीति को अमल में लाया जाएगा, है ना? यानी कि 7 साल के लिए इसको अप्लाई किया गया है। अगली बात करते हैं, इस नीति का मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यटन क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों का सशक्तिकरण करना, जिससे राज्य के विकास से वे लाभ ले सके। इसका मुख्य उद्देश्य में अन्य जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, दरअसल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में अंशदान को वार्षिक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर और राज्य की GSDP में लगभग 15% योगदान को बढ़ाना है। यानी कि योगदान बढ़ाकर कितना कर देना है, 15% करना है, और वार्षिक जो करना है 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यहाँ पर इसको वार्षिक करना है। अगली बात करते हैं, राज्य में वर्ष 2030 तक सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर पर्यटन के लगभग 100 प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर स्टैंप शुल्क में 100% की छूट देने का प्रावधान भी इस नई पर्यटन नीति में किया गया है। नई पर्यटन नीति में निवेश के आधार पर प्रदेश के शहरों को तीन क्षेत्रों में, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ये शहरों नहीं है, ये है तीन क्षेत्रों में विभाजित, यानी कि जितने भी शहर उत्तराखंड में हैं, उन सभी शहरों को 3 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये जो 3 अलग-अलग श्रेणियां हैं, ये कौन सी है? सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी ए, यानी कि 3 श्रेणियों में है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। श्रेणी ए में कौन से हैं? इसमें हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के सारे क्षेत्रों को लिया गया है, साथ ही अल्मोड़ा जनपद का रानीखेत और अल्मोड़ा तहसील और देहरादून के सभी क्षेत्र जो श्रेणी में शामिल नहीं है, इस क्षेत्र में निवास के लिए 25% अनुदान दिया जाएगा। श्रेणी बी, इस क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून के जिले का कालिसी चकराता, पौड़ी गढ़वाल का लैंसडाउन, कोटद्वार, यमकेश्वर और धुमाकोट, टिहरी गढ़वाल का नरेंद्र नगर तथा धनौल्टी, बागेश्वर जनपद का गरुड़ शहर, अल्मोड़ा का शेष भाग जो ए श्रेणी में शामिल नहीं है, इसमें निवेश करने पर राज्य सरकार द्वारा 35% सब्सिडी का प्रावधान है। अब आती है श्रेणी सी, इसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, ये पूरे जिले, पौड़ी और टिहरी के क्षेत्र में जो इस श्रेणी में शामिल नहीं है, बागेश्वर का गरुड़ के अतिरिक्त संपूर्ण जिला इस श्रेणी के अंतर्गत है। इसमें निवेश करने पर निवेशकों को 50% तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की मंजूरी मिली है। राज्य की पहली पर्यटन नीति कब घोषित हुई? राज्य बना 9 नवंबर सन 2000 को और पहली पर्यटन नीति बनी 26 अप्रैल 2001 को। इस पर्यटन नीति में मुख्य रूप से जो बढ़ावा दिया गया था, यानी कि जो बल दिया गया था, वो था इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन। दूसरी पर्यटन नीति बनी है 18 साल बाद लगभग, यानी 27 सितंबर 2018 को। इसके अंतर्गत राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया तथा पर्यटन संबंधी 28 गतिविधियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में सम्मिलित किया गया। दिल्ली, सूरजकुंड, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में उत्तराखंड उत्सव आयोजित किए जाते हैं। यह उत्तराखंड की पर्यटन नीति के अंतर्गत ही है। राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार को पर्यटन नगरी और ऋषिकेश को योग राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटेक, इंटेक का पूरा नाम पूछते हैं प्रश्न में। सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण इंटेक के द्वारा किया जा रहा है। रामनगर के पास स्थित चूना खान सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड की स्थापना की गई है। चमोली के माणा गांव और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम गांव को हेरिटेज गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के कुछ चुनिंदा गांव भी लिए गए हैं जिसमें बायो व ऑर्गेनिक पर्यटन का विकास किया जा रहा है। देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में प्रश्न पूछता है, सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है। यहाँ पर कुंभ की ही तर्ज पर प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। देहरादून में पुरानी जेल के नेहरू वार्ड को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। पुरानी जेल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि नेहरू वार्ड के रूप में वहां पर नेहरू जी ने कुछ दिन जेल में बिताए थे। और कहां पर है? देहरादून में है। तो आज के वीडियो में उत्तराखंड के पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक आप सभी साथ बने रहें इसी अपेक्षा के साथ। नमस्कार।